अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर निमरा हालिद, गायनेकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरी जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है उसमें 50% मरीज़ मेरे पास इसी मसले से आते हैं। अब वो मसला क्या है जी? डॉक्टर साहबा, हमल नहीं हो रहा, हमल के लिए दवाई चाहिए। तो मैंने ये देखा कि इसमें जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ या उनके बारे में सारी हिस्ट्री वगैरह लेती हूँ तो मैंने देखा उसमें उनकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है कि कुछ लोग जो हैं वो अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, कुछ लोग मतलब हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये जो पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहिए सबके साथ कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए अपनी डाइट में कौन सी। मैं सिर्फ एक 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ जो कि बहुत ही अहम हैं। यानी कि हमारी खुराक में अगर 5 किस्म की तब्दीलियां रोज़मर्रा की खुराक में कर ली जाएं तो ये एक स्टडी हुई थी जिससे ये साबित हुआ था कि 69% लोगों में 69% चांस जो है वो हमल का बढ़ जाता है अगर वो ये खुराक अपनी खुराक में ये 5 किस्म की तब्दीलियां कर लेते हैं। अब मैं एक एक करके उस पॉइंट को डिस्कस करूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर एक पॉइंट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप लोगों को हो पता हो कौन सी खुराक लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ताकि आप लोग मेरे पास आने की बजाय घर में ही इस खुराक का इस्तेमाल करें और हमल होने में मददगार साबित हो। अच्छा जी, जो पहली तब्दीली हमने अपनी खुराक में करनी है वो ये है कि हमने हाई ग्लाइसेमिक डाइट यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में आना है। अब मैं ये पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाई ग्लाइसेमिक डाइट होती कौन सी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट वो होती है जो जैसे ही हम खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। अब जो वो शुगर के लेवल को बढ़ाएगी उससे क्या होगा? उससे मोटापा आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और हमल होने में जो है वो दुश्वारी होगी। अब हमने इसको लेके आना है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट की तरफ। तो मैं बताऊँगी कि आपने कौन सी डाइट नहीं लेनी जो कि हाई ग्लाइसेमिक है। अब हाई ग्लाइसेमिक डाइट कौन सी होती है? उसमें आती हैं चॉकलेट्स, आती हैं चाय, आती है ज़्यादा चीनी डाल डाल के चाय पीना, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, कॉफ़ी, इसके बाद केक्स, इसके बाद पेस्ट्रीज वगैरह, ये घर में बने हुए जूसेस, ये बाज़ार के जूसेस, घर के जूसेस नहीं, बाज़ार के जूसेस वगैरह, हर वो चीज़ जो कि शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती है उसको हाई ग्लाइसेमिक डाइट कहते हैं, जो कि हमने नहीं लेनी। हमने लेनी है लो ग्लाइसेमिक डाइट। लो ग्लाइसेमिक डाइट में कौन कौन सी डाइट्स आती हैं? जैसे कि दालें वगैरह, मल्टीग्रेन्स, दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर कोई आप मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट चीनी का इस्तेमाल ना करें। दूसरी जो अहम तब्दीली हमने अपनी खुराक में करनी है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि गुड फैट क्या होती है और बैड फैट क्या होती है, क्योंकि हमने इसमें से गुड फैट को इस्तेमाल करना है। गुड फैट जो है वो हमल होने में मददगार साबित होती है और जो बैड फैट है वो क्या करती है, हम आपके अंदर वही इनडायरेक्ट मोटापा करेगी तो ये हमल होने में दुश्वारी करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गुड फैट है उसमें क्या होता है, उसमें omega-3 fatty acids होते हैं और omega-3 fatty acids ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? आपने अपनी खुराक में बादाम का इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल करना है, इसमें omega-3 fatty acids पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने अपनी खुराक में मछली का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा काजू, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इनमें जो फैट्स होती हैं वो गुड फैट्स होती हैं और ये जो गुड फैट्स होती हैं ये भी फर्टिलिटी यानी कि हमल होने के अमल में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अब दूसरी चीज़ है बैड फैट, जो कि मैं अपने पेशेंट्स की, अगर कोई मेरे पेशेंट्स की फाइल देखेगा तो वो देखेगा कि मैंने ये फाइल के ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ें नहीं खानी। यानी कि आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, बोतल, चिप्स और ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, बोतलें, कॉफ़ी का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना।
और इसके अलावा जो आप अपना खाना बनाते हैं वो रिफाइंड ऑयल जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशनेबल ऑयल मार्केट में आ गए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा आप कोशिश करें कि जो लोग हमल करना चाहते हैं या जिनका हमल नहीं हो रहा वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हिकद हो रहा है तो ये तो इस्तेमाल करना नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना खाना जो है वो सरसों के ऑयल में बनाएं। सरसों का ऑयल भी बहुत अच्छा होता है इस मामले में। अच्छा, मैंने आपको बैड फैट्स के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना था कि जो बैड फैट है वो हमल ना होने वाले अमल को 8% से बढ़ा के 16% में ले जाती है, यानी कि इतना वो हमल नहीं होने देती, 16% तक इस अमल को बढ़ा देती है। अगर किसी में 8% चांसेस है कि उसे हमल नहीं होगा, लेकिन अगर वो बैड फैट्स यानी कि बर्गर, पिज्जे, चिप्स, शवारमे वगैरह बहुत ज़्यादा मिकदार में खाता है तो उसमें 16% तक चला जाएगा, ये 16% जो है वो उसमें चांसेस हो जाएंगे कि इसको हमल नहीं होगा। अच्छा जी, जो तीसरा और अहम पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन डाइट आप लोगों ने लेनी है। अब प्रोटीन डाइट भी दो तरह की होती है, यानी कि एक प्रोटीन वो होती है जो पौधों में पाई जाती है और दूसरी प्रोटीन वो होती है जो कि जानवरों में पाई जाती है। अब जो हमने लेनी है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो है पौधों वाली प्रोटीन। अब जो पौधों वाली प्रोटीन है वो किन चीज़ों में पाई जाती है? वो पाई जाती है सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि पालक, साग वगैरह। इसके अलावा दालों का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। इसके अलावा राजमे का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों में जो है वो जो अच्छी वाली प्रोटीन है, पौधों वाली प्रोटीन है, वो पाई जाती है। अब आ जाए जी जानवरों वाली प्रोटीन। जो जानवरों वाली प्रोटीन है वो पाई जाती है मुर्गी के गोश्त में, मुर्गी में पाई जाती है। इसके अलावा पाई जाती है रेड मीट में, रेड मीट जैसे हम बकरा या ये जो कहते हैं जी गाय वगैरह का गोश्त। अब ये चीज़ें जो हैं हमने नहीं खानी। आजकल आपने देखा होगा कि मुर्गियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। अब कोई चीज़ जो 10-15 दिन में तैयार हो जाती है वो किस तरह बढ़ेगी? वो स्टीरॉइड्स वगैरह से बढ़ती है। इनडायरेक्ट हम वो स्टीरॉइड, जब ये चीज़ें हम खाते हैं तो इनडायरेक्ट वो स्टीरॉइड्स हैं वो हमारे जिस्म में जाती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आती हैं और बच्चियों को पीरियड्स के मसाइल हो जाते हैं और हमल होने में मसला होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है जो जानवरों में होती है, जानवरों की प्रोटीन है, वो है अंडे में पाई जाती है, एग। हमने एग इस्तेमाल करना है। अब जो लोग वजन कम कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि वो एग जो है वो किस तरह खाते हैं, सफेदी खा लेते हैं, उसकी जर्दी नहीं खाते। लेकिन जो जर्दी है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे अहम चीजें पाई जाती हैं जो कि हमल होने में मदद करते हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है IGF। वो क्या करती है? एक तो हमल होने में मदद करती है, दूसरा उसकी डेवलपमेंट में मदद करती है, यानी कि उसके शुरू के बनने के अमल में मदद करती है। इसलिए जब भी अंडे का इस्तेमाल करें, आप लोगों ने पूरा अंडा खाना है, जर्दी और सफेदी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि हमने कौन सी प्रोटीन लेनी है और कौन सी प्रोटीन नहीं लेनी। आम लफ्जों में आपको बताती हूँ कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, दालों का इस्तेमाल करना है, मुर्गी का गोश्त, ये बड़ा गोश्त, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अब जो चौथा और अहम पॉइंट है वो ये है कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल। मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में और मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि हमल के पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको पहले से शुरू करती हैं तो वो भी हमल होने में मदद करता है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो जब तक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं वो टाइम गुजर चुका होता है या नहीं लेते या उन्हें पता ही नहीं होता कि फोलिक एसिड लेना है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो फोलिक एसिड नहीं लेते तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि फोलिक एसिड जो है वो किन चीज़ों में पाया जाता है। फोलिक एसिड जो है वो हर सब्ज पत्तों वाली सब्जी में पाया जाता है। अब सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ कौन कौन सी होती हैं? सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में साग आ जाता है, पालक आ जाती है, उसके अलावा भिंडी आ जाती है, खीरा आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो सब्ज पत्तों वाली, ब्रॉड टर्म यूज़ कर रही हूँ कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है
अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी हमल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें अपनी खुराक में फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट एक छोटा सा बाउल सैलेड का, फ्रूट सैलेड का बनाएं जिसमें 3-4 फ्रूट डाल के उसको मिक्स करके उसका इस्तेमाल करें। उससे आपकी डाइट जो है वो अच्छी, डाइट से अच्छी हेल्थ होगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो भी हमल में मदद मिलती है। अगर आप अपनी डाइट में एक मुनासिब मिकदार में फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो 12% हमल होने के चांसेस को बढ़ाती है। और जो पांचवा और मेन और अहम पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने डिस्कस करना है वो ये है डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स, अब डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। अब हमें कौन सा, नॉर्मली हमने देखा, अब मैंने देखा है कि ये जो फैशनेबल दूध, डब्बों वाले दूध हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दूध, या दूसरी जबान में हम इसे कह सकते हैं स्किम्ड मिल्क। हमने स्किम्ड मिल्क, जो लोग हमल करने के ख्वाहिशमंद हैं या हमल चाहते हैं, उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है लो फैट कंटेंट पाया जाता है। लेकिन लो फैट कंटेंट जो है दूध का जो है वो खास तौर पर जो है वो इनफर्टिलिटी, हमल ना होने के प्रोसेस या चांस को बढ़ा देता है। तो हमने जो है लेना है वो फुल फैट मिल्क लेना है। फुल फैट मिल्क में कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमल के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम मिल्क को स्किम्ड मिल्क तैयार कर रहे होते हैं तो वो कंपोनेंट हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमल के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पांच और मेन अहम तब्दीलियां थी जो हम अगर इस पे गौर करें और इनकी इसको गौर से सुने मेरी वीडियो को और इसमें अपनी खुराक, रोजमर्रा की खुराक में तब्दीलियां करें, ये पांच तब्दीलियां करें, तो एक स्टडी से ये साबित है कि 69 उर्दू में मेरे ख्याल से 69% चांसेस जो है वो हमल होने के बढ़ जाते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा रेशो है ना, कि इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि खुराक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हमल नहीं हो रहा, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना दूसरे तीसरे महीने ही शुरू हो जाता है, इसको कम किया जाए। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये वीडियो सिर्फ औरतों के लिए, ये खुराक सिर्फ औरतों के लिए, ये हमारे मेल हजरात, आदमी भी यूज़ कर सकते हैं, आदमी भी यही खुराक इस्तेमाल करें, इससे भी आदमियों के जरासीम की क्वालिटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।